हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। आपने शायद रोबोट को देखा होगा फिल्मों में या असल जिंदगी में। रोबोट के बारे में तरह तरह की जानकारियां आपने तरह तरह की मैगजीन और अखबारों में पढ़ी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि रोबोट कहां से आया और वास्तव में इसका इन्वेंशन किसने किया है? चलिए आज होमस्टेड में रोबोट से जुड़े फैक्ट्स और रोबोट के इन्वेंटर के बारे में विस्तार से बताता हूँ। मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। RenderForest.com घरेलू रोबोट जो घर के साफ सफाई और रख रखाव के कार्य में प्रयोग होते हैं और इनसे इंसानों का जीवन बहुत आसान हुआ है। विदेश में ये घरों की साफ सफाई, भूकंप के बाद मलबे में दबे इंसानों को ढूंढने का काम और फैक्ट्रीज में कई ऐसे कामों को अंजाम देते हैं जो हैरान कर देने वाले होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई प्राचीन कथाओं और पौराणिक धर्म ग्रंथों में रोबोट जैसी चीजों का जिक्र मिलता है। यूनान के देवता हेफिस्टास के द्वारा बनाए गए यांत्रिक दास और नोर्से की कथाओं में मिट्टी के बनाए हुए दानवों के उदाहरण आजकल के रोबोट से काफी मिलते जुलते हैं। अगर भारत की बात करें तो रामायण में भी रोबोट से मिलती जुलती संरचना का उदाहरण मिलता है। जैसे जब रावण का वध के बाद श्री राम जी अयोध्या वापस आए तो उन्होंने सीता माँ को वनवास दिया, तो सीता माँ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रही। एक दिन जब सीता माँ किसी काम से बाहर गई तो अपने पुत्र लव को साथ में ले गई। महर्षि वाल्मीकि ने जब ये देखा कि आश्रम में लव उपस्थित नहीं है तो उन्हें बहुत चिंता हुई। उन्हें लगा कि लव को शायद कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया है, और ऐसा में अगर सीता माँ वापस लौटती है तो लव नहीं मिलता है उन्हें तो वो काफ़ी व्याकुल हो जाएंगी। इस चिंता के कारण महर्षि वाल्मीकि ने खुद से ही एक नए बालक का निर्माण किया जो हूबहू लव की तरह दिखाई देता था। बाद में सीता माँ के आने पर उस बालक का नाम कुश रखा गया। वास्तविक रूप से सबसे पहले रोबोट बनाने का श्रेय स्पेरी जायरोस्कोप को जाता है। ये सन 1913 में बनाया था, पर आम लोगों के बीच इसका प्रदर्शन 1932 में पहली बार लंदन रेडियो में हुआ। करीब 30 साल बाद पहली बार एक अमरीकी कंपनी ने रोबोट को बेचने की योजना बनाई और धीरे धीरे कंपनियों ने मजदूरों को कम कर रोबोट को काम पर रखना शुरू किया। इसकी पहली घटना 1980 में हुई जब एक मोटर कंपनी ने 200 मजदूरों की कमी कर 50 रोबोटों को काम पर रखा था। आज रोबोट की दुनिया काफ़ी विकसित हो चुकी है। रोबोट्स कई तरह के होते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट होते हैं, डोमेस्टिक रोबोट, मेडिकल रोबोट, सर्विस रोबोट और एंटरटेनमेंट रोबोट्स, स्पेस रोबोट और स्पाइडर रोबोट। मिलिट्री रोबोट आजकल शायद बहुत ज़्यादा फेमस है। आज के दौर में कई देश ने इस तरह के रोबोट का निर्माण किया है जिनका इस्तेमाल सेना में किया जाता है। इस प्रकार के रोबोट का उपयोग युद्ध के दौरान किया जाता है जिनसे अपने देश की मानव सेना को कम से कम नुकसान पहुंचे। इस तरह के रोबोट कई तरह के हथियार चलाने में सक्षम होते हैं। किलर रोबोट जिसके निर्माण के साथ ही उठने लगी थी इसके विरोध की आवाज़ें। ये एक ऐसा हथियार है जो टारगेट को खुद ब खुद निशाने पर लेकर ख़त्म कर देता है। कई देशों में इस तरह के रोबोट को लेकर शोध किए गए हैं, लेकिन बहुत सारे देशों के वैज्ञानिक लगातार इस तरह के रोबोट पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के रोबोट पूरी मानव जाति के लिए खतरा हो सकते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स। चलिए, आपने रोबोट के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर ली है। आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे रोबोट से जो दिखने में और बात करने में एकदम इंसानों जैसी ही है। इसका नाम है सोफिया। इस रोबोट को बनाया है हांगकांग की एक कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने। कंपनी के फाउंडर डेविड हैंसन ने इसे खुद तैयार किया है। इंसानों जैसे दिखने वाली सोफिया ने दुनिया भर में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी 2017 में। हैंसन के मुताबिक सोफिया न सिर्फ आँख झपका सकती है बल्कि आपसे बात भी कर सकती है, और ये 62 तरह की भावनाएँ अपने चेहरे पर लाने में सक्षम है। साल 2017 में सोफिया ने भारत की यात्रा की। साल 2017 में ही मुंबई में आयोजित टेकफेस्ट में जब सोफिया भारतीय वेशभूषा में मंच पर आई तो हजारों लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। सोफिया ने जब मंच से हिंदी में लोगों से बात की तो सब लोग एक बार तो सरप्राइज रह गए थे। रोबोट्स के कुछ फैक्ट्स की हम बात करें तो रोबोट द्वारा किसी इंसान के मारे जाने का पहला मामला 1981 में हुआ था जब
एक रोबोटिक हाथ ने एक जापानी कवासाकी फैक्ट्री में एक मजदूर को कुचल दिया था। श्रमिक की मृत्यु को एक एक्सीडेंट कहा गया। एक अनुमान के मुताबिक आज 1 मिलियन से भी अधिक औद्योगिक रोबोट ऑपरेटिंग में है, जिनमें से ज़्यादातर रोबोट जापान में मौजूद है। गाइस, क्या आपको पता है कि धरती पर तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि मंगल पर भी 2 रोबोट है? एक का नाम है स्पिरिट और दूसरे का नाम है अपॉर्चुनिटी। इन रोबोट्स को नासा ने मंगल पर 90 दिन के लिए भेजा गया था, लेकिन वो कई वर्ष तक चले। लगता है इन दोनों को धरती से ज़्यादा मार्स पसंद आ गया। दोस्तों, बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को देखने के बाद आपको रोबोट के बारे में जानकारी में काफ़ी कुछ बढ़ोतरी हुई होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने।